हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये इरिडोप सीरीज का 42nd लेक्चर है और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 4 है। और इसमें हम इरिडोप की 2.35 टू 2.41 एंड देन 2.43 टू 2.46 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक पिस्टन है, वर्टिकल सिलेंडर है और इसमें एक पिस्टन है। इसमें नंबर ऑफ मोल तुम्हें 1 दिया हुआ है, टेम्परेचर टी दिया हुआ है और इसको तुम स्लोली एक्सपेंड करते हो। गैस का वॉल्यूम है, ध्यान रखना, और आइसोथर्मल एक्सपेंड करते हो। और वॉल्यूम को वी से एन टाइम्स वी कर देते हो। तो इसमें तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालना कितना होगा? एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लो। एक गैस है, एक पिस्टन है, उसको तुम स्लोली आइसोथर्मली एक्सपेंड करते हो वॉल्यूम वी से एन टाइम्स वी। नंबर ऑफ मोल दिया था 1 और टेम्परेचर दिया था टी। तो तुम्हें एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क निकालना था कितना होगा? तो और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट कुछ दिया था और ये मान लो पी है। तो इसमें देखो मेन मेन पॉइंट्स क्या हैं। एक तो सबसे पहली बात आपने स्लोली कहा, तो इसका मतलब गैस का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो इक्वल हो गया। एक तो दूसरा, पिस्टन का अगर मैं देखूं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो जीरो होगा। एक तो बात यह आ गई, ठीक है। दूसरी बात, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता और एन यहां पे 1 दिया था, तो इसका मतलब मैं पीवी इक्वल टू आरटी लिख लूंगा। तीसरी बात, अब मैं पिस्टन पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं और आप ये जानते हो कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और इसको हमें जीरो रखना है। अब आप ये देखो कि पिस्टन पर किस किस फोर्स ने वर्क किया। एक तो एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क आया प्लस एक गैस ने वर्क किया प्लस एक एटमॉस्फेयर ने वर्क किया। तो ये तीनों वर्क मिला के क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। अब एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन हमें निकालना है, गैस ने आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क किया है, तो हम लगाएंगे एन आर टी एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। और यहां पे वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल ये तुम्हें क्वेश्चन में एन दिया हुआ है, एन टाइम्स बढ़ जाता, कह रहा ना, एन टाइम्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल तुम्हें यहां पे 1 दिया हुआ है। दोनों एन लेकिन अलग अलग हैं बेटा, ध्यान रखना कि कंफ्यूज मत होना। पहला जो एन आ रहा है वो नंबर ऑफ मोल के लिए आ रहा है और दूसरा जो एन आ रहा है वो ये आ रहा है कि वॉल्यूम एन टाइम्स हो गया है। अब चलते हैं एटमॉस्फेयर ने कितना वर्क किया। अगर मैं ये पिस्टन देखूं तो इस पे इधर को एक कांस्टेंट फोर्स लगा हुआ है पी नॉट इंटू ए, लेकिन पी नॉट की वैल्यू मैंने तुमसे कहा था पी के इक्वल भी होगी, तो ये पी इंटू ए हो गई। और मान लो ये इधर को एस डिस्प्लेस हो जाता है
इसका मतलब ये वाला वर्क कितना होगा, तो कांस्टेंट फोर्स था माइनस एफ इंटू एस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस पी ए इंटू एस। लेकिन ए इंटू एस तुम्हें समझ में आ रहा होगा चेंज इन वॉल्यूम होगा, तो ये हो गया माइनस पी और चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया एन बी माइनस वन माइनस वी सॉरी ये हो गया v कॉमन आ गया तो माइनस पी वी एन माइनस वन। और पी वी में तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं पी वी किसके इक्वल रखना है, आर टी के इक्वल रखना है। तो जब ये वैल्यूज तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क फाइंड होगा। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लो। एक वर्टिकल सिलेंडर है, गैस है, पिस्टन है, गैस का टेम्परेचर टी दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं वन, और आप आइसोथर्मली उसको एक्सपेंड करते हो स्लोली और वॉल्यूम वी से एन टाइम्स वी कर देते हो, तो तुम्हें निकालना है कि एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क कितना होगा। तो मैंने इसमें क्या क्या की पॉइंट्स बताए, स्लोली में तुम दो चीज रख सकते हो, एक तो पी और पी नॉट को इक्वल रख सकते हो और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पिस्टन को जीरो रख सकते हो, और नंबर ऑफ मोल वन दिया था तो पीवी को मैं आरटी लिख सकता हूं, और पिस्टन में मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वो जीरो होना चाहिए। और पिस्टन में तीन वर्क हुए, एक तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क जो निकालना है हमें, एक गैस ने कितना वर्क किया और एक एटमॉस्फेयर ने कितना वर्क किया। अब गैस में आप लगाओगे आइसोथर्मल वाला कंसेप्ट एनआरटी एलएन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। अब एटमॉस्फेयर में आ जाओ, एटमॉस्फेरिक फोर्स नीचे को लगा हुआ है और वो कांस्टेंट है पी इंटू ए के इक्वल, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है, तो इसका मतलब ये वाला वर्क में माइनस एफ इंटू एस लिख सकता हूं, तो वहां से तुम्हारे एटमॉस्फेयर फोर्स का वर्क आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ये भी काफी हद तक बिल्कुल सिमिलर टाइप का है लेकिन अब के सिलेंडर इस टाइप से रखा हुआ है। ये है अब के ऐसे रखा हुआ है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, ये पी नॉट वी नॉट है और इधर भी पी नॉट वी नॉट है और दोनों का टेम्परेचर सेम है, वो दिया नहीं है, और इसको वही तुम स्लोली और आइसोथर्मली शिफ्ट करते हो, और इतना शिफ्ट करते हो कि एक चैम्बर का वॉल्यूम ईटा टाइम्स हो जाए दूसरे चैम्बर के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब तुम इसको इतना शिफ्ट कर रहे हो कि मान लो अगर इसका वॉल्यूम वी है तो इसका वॉल्यूम ईटा टाइम्स वी हो, और इसमें भी तुम्हें वही W एक्सटर्नल निकालना कितना होगा। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, आपके यहां पे वर्टिकल नहीं है बल्कि हॉरिजॉन्टल है और दोनों तरफ सिमिलर गैस भरी हुई है, बिल्कुल एक जैसी गैस भरी हुई है, और तुम पिस्टन को शिफ्ट कर रहे हो और इतना शिफ्ट कर रहे हो कि एक का वॉल्यूम दूसरे का ईटा टाइम्स आ जाए, तो तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स का वर्क निकालना कितना होगा। अब इसमें देखो क्या क्या हम पॉइंट्स लगाएंगे। सबसे पहली बात, पी नॉट वी नॉट इसको हम रख देंगे एनआरटी। अब वैसे एन और टी नहीं दिए हुए ध्यान रखना, तो एनआरटी कहीं पे आएगा तो उसको हम पी नॉट वी नॉट रख देंगे। दूसरी बार मैं टोटल वॉल्यूम को इक्वेट कर रहा हूं, तो इसका मतलब V नॉट प्लस V नॉट इक्वल टू ईटा टाइम्स V प्लस V,
तो यहां से V की वैल्यू पता चल गई 2V0 अपॉन ईटा प्लस 1 ईयर। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। अब तीसरी बात, अब सपोज करो मैं इसको गैस 1 लिखता हूं और इसको गैस 2 लिखता हूं, मान लो। तो अगेन मैं वही इक्वेशन लगा रहा हूं जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लगाई थी। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें होगा W एक्सटर्नल प्लस W बाई गैस 1 प्लस W बाई गैस 2, जीरो हो गया। और ये तुम्हें निकालना है और ये दोनों के दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है। अब आप ये देखो कि गैस 1 का जो वॉल्यूम है वो वी नॉट से ईटा टाइम्स वी हो गया और गैस 2 का जो वॉल्यूम है वो वी नॉट से वी हो गया, तो मैं उसको अप्लाई करूंगा। तो इसका मतलब गैस 1 का वर्क कितना होगा, एन आर टी एल एन, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल होता है, तो ईटा टाइम्स वी अपॉन वी नॉट। अब वो अलग बात है, एनआरटी की जो वैल्यू थी वो पी नॉट वी नॉट थी। और इसी टाइप से गैस 2 का मैं कितना वर्क लिखूंगा, एन आर टी एल एन, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, इसका मतलब वी अपॉन वी नॉट, और इसकी वैल्यू भी पी नॉट वी नॉट थी। तो बस अब v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना जो हमने पहले लिखी हुई है, तो वहां से एक्सटर्नल फोर्स का वर्क आ जाएगा, बस वो कहते हैं ये कर देते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे थे कि पिस्टन को तुम स्लोली आइसोथर्मल कंडीशंस में मूव कर रहे हो या एक्सपेंड कर रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क निकालना है। तो मैंने आपसे कहा कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो होगा, और पहले क्वेश्चन में एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया, गैस ने वर्क किया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स ने वर्क किया, और दूसरे क्वेश्चन में एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया, गैस 1 ने वर्क किया और गैस 2 ने वर्क किया, इतना प्रोसेस हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है, 3 मोल है, 273 केल्विन पे है, आइसोथर्मली तुम 5 टाइम्स एक्सपेंड कर देते हो, देन आइसोकोरिकली तुम उसका प्रेशर को इनिशियल स्टेट पे ले आते हो और टोटल हीट एक्सचेंज इतना दिया हुआ है, तो तुम्हें गामा की वैल्यू निकालनी है, उसकी कितनी होगी। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। 3 मोल है, टेम्परेचर 273 केल्विन है, पहले आइसोथर्मली उसको एक्सपेंड करते हो 5 टाइम्स वॉल्यूम तक, फिर आइसोकोरिक प्रोसेस में उसका प्रेशर इनिशियल प्रेशर तक ले आते हो और टोटल हीट एक्सचेंज तुम्हें 80 किलो जूल दिया हुआ है, तो तुम्हें गैस का गामा फाइंड करना है। तो इसमें बेस्ट वे ये होता है कि आप पहले ना पीवी डायग्राम ड्रॉ कर लो, तो बेस्ट तरीका होता है। जैसे तुम एक चीज देखो कि अगर मैं पीवी ग्राफ ड्रॉ करूं, ये पी है, ये वी है, मान लो मैं यहां से स्टार्ट होता हूँ, सपोज करो यहां से स्टार्ट होता हूँ, इधर पी नॉट कह देता हूँ और इधर वी नॉट कह देता हूं, तो पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन आया, ऐसे आया और ये 5 वी नॉट तक हो गया और फिर ये आइसोकोरिक प्रोसेस है और प्रेशर वहीं तक पहुंच गया, ये हो गया। इसको 1 कह दे रहा हूं, इसको 2 कह दे रहा हूं,
अब सुनो, ये तो आइसोथर्मल है, इसका मतलब इसमें तो 273 केल्विन, ये फिक्स है बिल्कुल। अब इसके भी जरा की पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। देखो सबसे पहले यहां पे पी नॉट और वी नॉट है, यहां पे पी नॉट और वी नॉट है, तो इसका मतलब पी नॉट वी नॉट इक्वल टू एनआरटी। अब नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं 3 और टेम्परेचर दिया हुआ 273, तो यहां से तुमने पी नॉट और वी नॉट निकाल लिया। दूसरी बात, यहां पे सब 273 है, ध्यान रखना यहां पे 273 केल्विन है, यहां भी 273 केल्विन है। अब दूसरी बात देखो, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू पीवी होता है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो इसका मतलब टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पीवी होता है। तो अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो पी और वी का प्रोडक्ट पी नॉट वी नॉट है, लेकिन अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो पी और वी का प्रोडक्ट 5 पी नॉट वी नॉट है। इसका मतलब यहां पे जो टेम्परेचर होगा वो 5 टाइम्स 273 होगा, आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू पीवी होता है। फर्स्ट प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है 273 केल्विन, तो इसका मतलब पी और वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा पी नॉट वी नॉट के इक्वल। लेकिन सेकेंड प्रोसेस के लास्ट में प्रेशर तो पी नॉट है और वॉल्यूम 5 वी नॉट है, तो इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आया 5 पी नॉट वी नॉट आया, तो वहां पे इसका मतलब टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। ये हो गया। अब वन बाई वन चलते हुए चलो, सबसे पहले प्रोसेस वन पे चलता हूं मैं। ये तुम्हें दिख रहा होगा आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में डेल्टा यू को हम लिखते हैं 0 और क्यू 1 कह लो, ये डब्ल्यू 1 होगा, क्यू और डब्ल्यू इक्वल होते हैं, और डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एन आर टी एल एन बी फाइनल अपॉन बी इनिशियल। और वैसे बाय द वे यहां पे बी फाइनल अपॉन बी इनिशियल कितना है, 5 है, और एन मैंने बताया 3 दिया था और टी दिया था यहाँ पे 273, ये हो गया। तो ये तो तुमने प्रोसेस वन में हीट निकाली क्यू वन कितना होगा। अब चलते हैं प्रोसेस टू। ये आइसोकोरिक दे रखी है, तो आइसोकोरिक में डब्ल्यू 0 होता है, इसका मतलब क्यू और डेल्टा यू वो इक्वल होगा। क्यों, क्यू और डेल्टा यू इक्वल होगा, और डेल्टा यू का फॉर्मूला कितना होता है बताओ, एन सी वी डेल्टा टी होता है। अब नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं 3 और सी वी तुम जानते होगे, ये होता है आर अपॉन गामा -1, और सेकंड प्रोसेस में डेल्टा टी कितना आ गया बताओ, ये आ गया 5 × 273 -273, तो ये आपको Q2 पता चल गया, और लास्ट में Q1 प्लस Q2 मिला के आपको 80 किलो जूल दिया हुआ है। आप देखो ना, Q1 प्लस Q2 मिला के आपको 80 किलो जूल दिया हुआ है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, वहां से गामा निकाल लेना, बस हो गया फाइंड गामा। क्वेश्चन और आंसर एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो।
पहली प्रोसेस आइसोथर्मल है और 5 times एक्सपेंशन होता है। दूसरी प्रोसेस आइसोकोरिक है और प्रेशर दोबारा से वहीं पहुंच जाता है और तुम्हें टोटल हीट 80 किलो जूल दे रखी है, तो तुम्हें गामा की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो पहली प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होगा और क्यू और डब्ल्यू इक्वल होगा और वो एनआरटी एलएन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल होगा। दूसरी प्रोसेस में डब्ल्यू जीरो होगा, क्यू और डेल्टा यू इक्वल होगा और डेल्टा यू का फॉर्मूला होगा एन सी वी डेल्टा टी। एन को रखोगे 3, सी वी की वैल्यू आर अपॉन गामा माइनस 1 और डेल्टा टी हो जाएगा 5 × 273 माइनस 273 और लास्ट में क्यू वन प्लस क्यू टू को क्या रख दोगे, 80 किलो जूल रख दोगे, वहां से आंसर। अब चलते हैं अगले प्रोसेस पे। ये बढ़िया क्वेश्चन है। आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडिबेटिक, इसमें पीटी और वीटी ग्राफ ड्रॉ करना। आइसोकोरिक को मैं 1 कह दूंगा, आइसोबारिक को 2 कह दूंगा, आइसोथर्मल को 3 और एडिबेटिक को 4। सबसे पहले चलते हैं पीटी में। देखो हाँ, ध्यान से देखना बेटा, ये पी है, ये टी है। मान लो मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, सारे एक ही जगह से ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले चलते हैं आइसोकोरिक में, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और पी प्रोपोर्शनल टू टी होता है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये 1 हो गया। आप देखो ना, v इक्वल टू कांस्टेंट, p प्रोपोर्शनल टू t, इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा आइसोबारिक, इसका मतलब जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो ये हो गया। आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो ये आ गया। अब असली बात है एडियाबेटिक, ठीक है ना, असली चीज है एडियाबेटिक बेटा जो है। एडियाबेटिक में हमें पीटी इक्वेशन चाहिए होगी, यहां पहले ध्यान रखना, पीटी इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी। तो मेरे ख्याल से तुम जानते होगे एडियाबेटिक में जो पीटी इक्वेशन होती है वो होती है टी की पावर गामा, पी की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। मेरे ख्याल से ये तुम जानते होगे बेटा, और अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, ठीक है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो यहां से जरा देखना, पी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1 होगी ना। अब इंटरेस्टिंग बात देखो क्या है कि ये वाली जो लाइन है ये है पी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1 है और मुझे एडियाबेटिक में करना है ड्रॉ पी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर इतना, और ये वाली जो पावर है ये आप देखो ये ग्रेटर देन 1 है। पॉइंट समझ में आ रहा बेटा, जो है ये जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है उसमें पी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1 है,
जबकि एडियाबेटिक में आ रहा है पी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर गामा अपॉन गामा माइनस वन, और वो पावर वन से ज्यादा है। अब आप ये बताओ कि अगर मैं कहूं कि पी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर वन है, इसका मतलब वन को अगर डबल करोगे तो पी भी डबल हो जाए। लेकिन अगर मैं पी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर एक ऐसी पावर कर रहा हूं जिसकी वैल्यू वन से ज्यादा है, तो इसका मतलब प्रेशर में ज्यादा तेजी से चेंज होगा, प्रेशर में ज्यादा तेजी से चेंज होगा। तो अगर प्रेशर में ज्यादा तेजी से चेंज होगा तो तुम्हें लग रहा है ऐसे ग्राफ बन जाएगा। बस बेटा ये कर लो, ये बनेगा फोर्थ ग्राफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान रखना बेटा। जो है एक बार दोबारा सुन लो, ये वाली लाइन में P प्रोपोर्शनल टू T की पावर वन है, इसका मतलब अगर T को डबल करोगे तो फिर P भी डबल हो जाएगा। लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में P प्रोपोर्शनल टू T की पावर गामा अपॉन गामा माइनस वन है, और ये पावर वन से बड़ी है, इसका मतलब P में तेजी से चेंज होगा। समझ गए ना, अगर आप P में देखोगे तो वो तेजी से चेंज होगा, ये कह लो आपके। तो ये कंसेप्ट लगाना। अब चलते हैं VT ग्राफ में। इसका एडियाबेटिक वाला पार्ट मैं तुम्हारे लिए छोड़ूंगा बेटा, उसमें दिमाग लगाना। ये V है, ये T है, मान लो यहां पे जैसे पिछले में लगाया था वैसे ही लगाओगे आप। अब सुनो, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, ये हो गया। आइसोबारिक ये हो गया, आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट, ये हो गया। और इस वाले में याद रखना, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टी होगा। इसका मतलब ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये बनेगा। अब ये तुम्हारा होम असाइनमेंट है, एडियाबेटिक तुम इसमें देखना, ट्राई करना, ये बनेगा बेटा। इसमें ये बनता है एडियाबेटिक में, ये आता है, इसको ट्राई करना। जैसे मैंने पिछला लॉजिक बताया उसी टाइप से इसमें कुछ लॉजिक लगाना, तो इस टाइप का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वन मोल है ऑक्सीजन है, इतना केल्विन दे रखा है, और एडियाबेटिक कंप्रेस्ड टू इंक्रीज द प्रेशर इतने टाइम्स। तो तुम्हें एक तो टेम्परेचर निकालना है आफ्टर कॉम्प्रेशन, और वर्क डन निकालना है। तो ये तो सिंपल है। पहले में तुम क्या करना ना, एडियाबेटिक में पीटी इक्वेशन लिख लेना, बस हो गया। आप पी तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, पीटी इक्वेशन तुम बना लोगे, इससे पहले भी मेरे ख्याल से बनाई है हमने। और ऑक्सीजन है तो डायटोमिक गैस है, वो सब चीज का ध्यान रखना कि ऑक्सीजन है तो वो डायटोमिक है, इसका मतलब उसके गामा की जो वैल्यू होगी वो 1.4 होगी, उन चीज का तो ध्यान रखना ही रखना है तुम्हें, ठीक है। ये हो गया। अब तुम्हें इसमें दे रखा है कि पी फाइनल 10 टाइम्स पी इनिशियल दिया हुआ है, तो यहां से टी फाइनल निकालना। आई थिंक सिंपल है। एडियाबेटिक प्रोसेस में पी और टी की इक्वेशन लिखना, और ऑक्सीजन है डायटोमिक है तो उसके गामा की वैल्यू 1.4 ले लेना, और पी फाइनल तुम्हें 10 टाइम्स दिया हुआ है तो वहां से टी फाइनल निकाल लेना, और उसके बाद तुम्हें निकालना वर्क डन। इसमें एक चीज पूछी है, वर्क दैट हैज बीन परफॉर्म ऑन द गैस, एंड वर्क डन ऑन द गैस पूछा हुआ है बेटा। जो है वर्क डन ऑन द गैस पूछा हुआ है, तो बी पार्ट देखो। एडियाबेटिक में Q
क्यू जीरो होता है, तो वर्क डन बाई गैस जो होता है वो माइनस डेल्टा यू होगा। इसका मतलब वर्क डन ऑन गैस अगर निकालोगे वो फिर प्लस डेल्टा यू हो जाएगा, समझे ना, प्लस डेल्टा यू हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी, और एन तुम्हें मेरे ख्याल से दिया था, क्यों, वन मोल, एन हो गया वन, सी बी डायटोमिक है, सी बी डायटोमिक है तो गामा आर अपॉन गामा माइनस वन कर लेना, चलो आर अपॉन गामा माइनस वन कर लेना। और डेल्टा टी तुम जानते ही हो, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये अप्लाई करना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि वर्क डन बाय द गैस तो हो जाएगा माइनस डेल्टा यू, लेकिन वर्क डन ऑन द गैस अगर देखोगे तो फिर उसको प्लस डेल्टा यू अप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, नाइट्रोजन है कंप्रेस्ड 5 times, इसका मतलब V final equal to V initial upon 5, ये दिया। वो एक्चुअल में ना उसमें बनेगा जिसमें थोड़ी होगा, इसमें बोल रहे थे साइन करवा के लाओ, इसी में बन जाएगा। इसमें कैसे हो जाएगा, हमने मेरे को ये बोला कि साइन करवा के लाओ, मुझे तो मैंने बोला कि ये सिर्फ वो है, बोला कि नहीं इसी में बन जाएगा। अब सुनो, नाइट्रोजन गैस है और उसको कंप्रेस करते हो 5 times, पहले एडियाबेटिकली और फिर आइसोथर्मली, और इनिशियल स्टेट दोनों में सेम थी, तो तुम्हें रेशियो ऑफ वर्क डन निकाल देते। तो कुछ नहीं, तुम्हें दोनों एक्सप्रेशन के वो होने चाहिए बेटा, जो है आप ये बताओ कि W1 वो एक्चुअल में W ऑफ एडियाबेटिक निकालना होगा, क्यों, और मेरे ख्याल से इसका एक्सप्रेशन जानते होगे, P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन गामा माइनस वन, कुछ S टाइप से कर सकते हो, क्यों। अच्छा एक चीज और है कि जैसे तुम्हें V फाइनल इक्वल टू V इनिशियल अपॉन ये दे रखा है, तो तुम PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट से, P फाइनल भी निकाल लेना ना, फाइंड P फाइनल आल्सो, वो P इनिशियल के टर्म्स में आएगा बेटा, ध्यान रखना P इनिशियल के टर्म्स में आएगा। तो फाइनली अगर तुम देखोगे तो ये सब कुछ ऐसे आ जाएगा ना, अगर देखोगे तो ये ऐसे कुछ आ जाएगा, सम कांस्टेंट इनटू पी इनिशियल वी इनिशियल कुछ इस टाइप का आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं, आप पी फाइनल को पी इनिशियल के टर्म्स में लिख लेना, और वी फाइनल तुम्हें वी इनिशियल के टर्म्स में दिया ही है, और गामा तुम नाइट्रोजन के लिए जानते ही हो, ये बताओ गामा नाइट्रोजन के लिए, इसका मतलब गामा डायटोमिक के लिए वो तुम 1.4 जानते ही हो, ये कह लो, तो ये तो W1 आ गया। अब चलते हैं W2। W2 का मतलब W आइसोथर्मल, और W आइसोथर्मल होता है NRTLN, V फाइनल अपॉन V इनिशियल, और V फाइनल अपॉन V इनिशियल देखो 1.5 है बेटा, जो है 1.5 है, तो ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी 1.5, और ये वाली वैल्यू P इनिशियल V इनिशियल हो गई, क्यों, P इनिशियल V इनिशियल,
तो अल्टीमेटली ये भी कुछ आ जाएगा सी टू इंटू पी इनिशियल वी इनिशियल आ जाएगा, और लास्ट में डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू निकाल लेना, बस हो गया। डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू वो सी वन अपॉन सी टू आ जाएगा, बस हो गया। ये कर अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि दोनों ही प्रोसेस में तुमने गैस को कंप्रेस किया हुआ है, इसका मतलब दोनों केसेस में वर्क डन नेगेटिव आएगा, या कह सकते हो सी वन और सी टू दोनों केस में क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। पॉइंट समझ में आया ना कि पहली प्रोसेस में आपको एडिबेटिक प्रोसेस का वर्क निकालना है और दूसरी प्रोसेस में आपको आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क निकालना है, ये कह तो इनसे निकाल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा। एक ना ये पिस्टन है, देखो ये पिस्टन है और दोनों जगह टेम्परेचर टी नॉट दिया हुआ है, बाकी सब कुछ नहीं दिया हुआ, टी नॉट के टर्म्स में आंसर है लेकिन आइडेंटिकल आंसर। अब इसको स्लोली मूव कर रहे हुई, तो तुम्हें निकालना है टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ रेशियो ईटा ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द ग्रेटर एंड स्मॉलर सेक्शंस, और एडिबेटिक एक्सपोनेंट गामा दिया हुआ है। टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ निकालना है, कुछ बेटा ध्यान से देखना, इसका मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है, समझ गए ना, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो आइसोथर्मल प्रोसेस आप नहीं लगाओगे, ये ध्यान रखना बेटा, जो है आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं लगाओगे। तो तुम्हें करना क्या है, देखो कि अगर मान लो ये वी नॉट है और ये वी नॉट है, तो फाइनल में इसका वॉल्यूम अगर V है, V फाइनल, तो इसका वॉल्यूम ईटा टाइम्स V फाइनल है। तो यहां पर तुम्हें T निकालना, T फाइनल निकालना कितना होगा, T फाइनल एज ए फंक्शन ऑफ ईटा कह लो, ये निकालना। लेकिन हम कोई इंटरमीडिएट पोजीशन भी लेते हैं, तीन पोजीशन ले रहा हूं, बिल्कुल शुरुआत की, बिल्कुल लास्ट की, और बिल्कुल इंटरमीडिएट कोई। तो मान लो यहां पे वॉल्यूम इसका v है, तो इसका मतलब यहां पे जो वॉल्यूम रहा होगा 2v नॉट माइनस v रहा होगा, ये कुछ इंटरमीडिएट पोजीशन होगी। दोबारा देख लो क्या कह रहा हूं, पहले तो ये प्रोसेस थी, ये थी मतलब स्टेज, लास्ट में ये स्टेज आनी है कि एक साइड का वॉल्यूम अगर v फाइनल है तो दूसरे साइड का वॉल्यूम ईटा टाइम्स v फाइनल आना है, और तुम्हें टेम्परेचर फाइनल निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ ईटा। और मैंने एक इंटरमीडिएट पोजीशन ली, मान लो कभी कि एक तरफ वॉल्यूम v है तो ऑब्वियसली बात है दूसरी तरफ वॉल्यूम कितना होगा 2v नॉट माइनस v, ये कह लो। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वो कैसे लो, सबसे पहली बात ये प्लस ये मिलके 2v नॉट होगा ना, तो ईटा प्लस 1 v फाइनल ये हो जाएगा 2v नॉट। तो यहां से जो v फाइनल की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 2v0 अपॉन ईटा प्लस 1, एक तो ये इक्वेशन आ गई, ये तो लेकिन फाइनल है बिल्कुल। अब हम चलते हैं इंटरमीडिएट पोजीशन में, ठीक है, मान लो इस तरफ 1 है इस तरफ 2 है,
तो फिगर को देख के तुम्हें लग रहा होगा पी टू की वैल्यू पी वन से ज्यादा लग रही होगी, क्यों? और दोनों तरफ तुम्हारा टेम्परेचर टी है, तो यहां से जो फोर्स लगा है वो लगा पी टू ए और यहां से तुम्हारा फोर्स लगा हुआ पी वन ए। तो जो पी टू ए है ऑब्वियस ही बात है ये पी वन ए से बड़ा है और मुझे पिस्टन को स्लोली मूव करना है, ठीक है, पिस्टन को स्लोली मूव करना है, तो इसका मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स का एक्सटर्नल फोर्स होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब नेट फोर्स तुम्हें जीरो करना है। आप एक चीज देखो कि मुझे स्लोली मूव करना है, इसका मतलब एफ नेट को जीरो करना है तो मुझे जो एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा P2 माइनस P1 इनटू एरिया। इसका मतलब जो छोटा सा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा वो होगा P2 माइनस P1 इनटू A इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds। और एक छोटी सी बात ये बताओ कि मैंने जो भी एक्सटर्नल वर्क किया वो अल्टीमेटली दोनों की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा ना? नहीं है, अगर तुम दोनों की क्या होगा बताओ, इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज कर इंक्रीज कर देगा। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, दिस इज ट्वाइस डी यू, ये कह लो। बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बताओ जो है कि तुमने जो भी एक्सटर्नल वर्क किया वो अल्टीमेटली क्या होगा बताओ जो है, दोनों की जो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी उतने से। अब वैल्यू रख लो, बस हो गया सीधे सीधे। ए इंटू डी एस को तुम क्या लग सकते हो, डी बी। अब पी टू को कितना लिख सकते हो, ध्यान से देखना, पी बी इक्वल टू एन आर टी, पी बी इक्वल टू एन आर टी, तो ये हो जाएगा एन आर टी अपॉन टू वी नॉट माइनस वी, एन आर टी अपॉन टू वी नॉट माइनस वी। अब इस पे आ जाओ, ये हो जाएगा एन आर टी अपॉन वी, ये भी हो गया। अब इस पे चलो बेटा, जो है ये होता है एन सी वी डी टी, समझ गए ना, एन सी बी डी टी, और सी बी होता है तुम जानते हो आर अपॉन गामा माइनस वन होता है, क्यों, गामा तुम्हें दिया हुआ है एन अपॉन गामा माइनस वन, तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे एन आर ये सब कैंसिल हो रहे हैं, ये हो गए। तो लास्ट में अगर तुम देखोगे तो ये फंक्शन ऑफ वी इंटू डी वी इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी इंटू डी टी, इस टाइप की इक्वेशन बन गई। अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन गई ना, फंक्शन ऑफ वी इंटू डी वी इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी इंटू डी टी, इस टाइप की इक्वेशन बन गई। अब इंटीग्रेट कर देना, यहां पे टेम्परेचर की लिमिट लिख देना टी इनिशियल टू टी फाइनल, और यहां पे वॉल्यूम की लिमिट्स रख देना V इनिशियल से V फाइनल, ये हो गया, बस हो गया। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और देखना कि मैंने इस वाले को, हाँ ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने इस वाले को वॉल्यूम V रखा हुआ है, वॉल्यूम V रखा हुआ है इस वाले का वॉल्यूम, तो इसका मतलब तुम इसका फाइनल लिमिट रखोगे ईटा टाइम्स बी फाइनल रखोगे बेटा, ये ध्यान रखना।
एटा टाइम्स, और इनिशियल रखोगे वी नॉट। ये बस ध्यान रखना तुम्हें कि यहाँ पे वी इनिशियल तो रखोगे वी नॉट, और वी फाइनल को उस वाले चैम्बर का देखोगे तो ईटा टाइम्स वी फाइनल रखोगे, ये हो गया। और टी इनिशियल मेरे ख्याल से दिया हुआ था तुम्हें, टी नॉट, ये टी नॉट दिया था, और टी फाइनल तुमसे पूछा हुआ है। एक बार क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। पहले ये था, पिस्टन को स्लोली मूव करके इस पोजीशन तक तो पहुंचा दिया तुमने, ये तो फाइनल फिगर है, और मैंने इंटरमीडिएट पोजीशन ये ली, इंटरमीडिएट पोजीशन यहां पे कोई ली, इसका मतलब इधर का वॉल्यूम मैंने v लिया हुआ और इधर का आ गया 2v0 माइनस v, और तुम्हें यहां पे प्रेशर ज्यादा दिख रहा होगा तो यहां से फोर्स ज्यादा दिख रहा होगा, और तुम्हें स्लोली मूव करवाना है तो इसका मतलब फोर्स का जो भी डिफरेंस है उतना तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और उसका जो वर्क आएगा, उसका जो वर्क आएगा फिर वो दोनों की क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो फाइनली वहां से हमने जो इक्वेशन बनाई वो ऐसे बनाई, फंक्शन ऑफ v इंटू dv इक्वल टू फंक्शन ऑफ t इंटू dt, और मैंने v इसको लिया था, ये बस ध्यान रखना v इसको लिया था, तो इसका मतलब इसकी जो लिमिट्स होंगी वो तुम लिखोगे v नॉट से लेके ईटा टाइम्स v फाइनल तक, ये लिमिट्स रखोगे, और टेम्परेचर की लिमिट्स क्या रखोगे, टी नॉट से लेके टी फाइनल तक, और टी फाइनल तुम्हें क्या करना है, फाइंड करना है, ये होगा। तो आई थिंक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, इसको देख लेना अच्छी तरीके से। तीन फिगर बनाना, एक बिल्कुल शुरुआत की, एक बिल्कुल बीच में लास्ट की, और एक इंटरमीडिएट। और मैंने आपसे कहा कि प्रेशर का जो डिफरेंस होगा उसको एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना तुम्हें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जितना वर्क करोगे उस फोर्स से जितना वर्क करोगे वो दोनों साइड की इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा, तो जो है उसको चेंज कर देगा, क्योंकि वो थर्मली इंसुलेटेड है, वो सब तो है ही है जो है, समझे ना, थर्मली इंसुलेटेड है, तो जो भी तुमने वर्क किया वो अल्टीमेटली क्या करेगा, गैसेस की क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। वन मोल दिया हुआ है, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा दिया हुआ है, वी इक्वल टू ए बाई टी एक प्रोसेस दे रखी है, और तुम्हें अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन निकालना है बाय द गैस है, जब डेल्टा टी तुम टेम्परेचर चेंज करते हो। तो मेरे ख्याल से इस टाइप का तुमने काफी किए होंगे कि जैसे ना वी इक्वल टू ए बाई टी है, तो इसका मतलब वी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, और अगर मैं t को pv से रिप्लेस कर दूं तो ये pv स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, और अगर मैं इसको कंपेयर करूं pv की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट से तो फिर इसका मतलब x की वैल्यू 2 आ गई। तो PV की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट में जो मोलर हीट कैपेसिटी आती है C, वो आती है R अपॉन गामा माइनस वन प्लस R अपॉन वन माइनस x। तो मेरे ख्याल से जानते होगे ये वाला रिलेशन कि PV की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट में जो मोलर हीट कैपेसिटी आती है वो आती है R अपॉन गामा माइनस वन प्लस R अपॉन वन माइनस x, और यहां पे x को 2 रखना है तुम्हें, क्यों, ये हो गया। और उसके बाद q का फॉर्मूला तुम जानते होगे, n c डेल्टा t होता है, c हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर में, और n मेरे ख्याल से 1 दिया हुआ है, n को 1 रख देना, तो यहां से तुम q फाइंड कर लेना।
आई थिंक समझ में आ गया होगा, गिवन प्रोसेस वी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, टी को मैंने पी वी से रिप्लेस कर दिया तो वो पी वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, और अगर मैंने पी वी के पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट से कंपेयर किया तो एक्स की वैल्यू टू आ गई, और पी वी के पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट में जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो होती है आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स, और उसके बाद क्यू को एन सी डेल्टा कर दें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये कहता है डिमॉन्स्ट्रेट दैट द प्रोसेस इन विच वर्क परफॉर्म बाई एन आइडियल गैस इज प्रपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन इट्स इंटरनल एनर्जी इज डिस्क्राइब बाई दिस इक्वेशन वेयर एन इज कॉन्स्टेंट। ये वैसे मैंने पहले के वीडियोज में कभी कभी बताया होगा बेटा कि अगर तुम्हें पी और बी रिलेशन निकालना है तो सबसे पहले हम फंक्शन ऑफ पी इंटू डी पी, यही तो करते हैं, फंक्शन ऑफ पी इंटू डी पी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वी इंटू डी बी, इस टाइप की इक्वेशन बनाते हैं और इसको फिर इंटीग्रेट करते हैं। और तब यहां से पी वी इक्वेशन बनाते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, एक बेसिक कंसेप्ट है जो आप कई जगह यूज कर सकते हो कि अगर आपको पी वी प्रोसेस बनानी है, पी वी इक्वेशन बनानी है, तो सबसे पहले आप फंक्शन ऑफ पी इंटू डी पी और फंक्शन ऑफ वी इंटू डी वी इसमें एक इक्वेशन बनाओ और इसको फिर इंटीग्रेट करो और तब जाके फिर आप पी वी इक्वेशन बनाओ। अब बात आती है कि ये इक्वेशन कहां से बनती है, इसके लिए दो चीजें होंगी, एक तो एक प्रोसेस दी होगी, और एक पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये तो यूनिवर्सल लॉ है ना आइडियल गैस के लिए, क्यों आइडियल गैस के लिए यूनिवर्सल लॉ है तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो ये होता है तरीका। अब जैसे यहां पे क्या दिया हुआ देखो, वर्क परफॉर्म प्रपोर्शनल टू इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी, मतलब ये दिया हुआ है देखो डी डब्ल्यू प्रपोर्शनल टू डी यू, अब डी डब्ल्यू को लिख दो पी डी वी और डी यू को लिख लो एन सी वी डी टी, अब सी वी को लिख लो आर अपॉन गामा माइनस वन, अब क्या है देखो मुझे P और V इक्वेशन बनानी है, P चलेगा dV चलेगा, ये dT नहीं चलेगा, समझे ना, इसमें dT नहीं चलेगा तो इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको मैं कैसे हटा सकता हूं देखो P V इक्वल टू nRT, तो इसको मैं लिख सकता हूं P इंटू dV प्लस V इंटू dV इक्वल टू एन आर डी टी, इस टाइप से कर सकता हूं मैं, समझ में आ रहा है, मेरे को पी और वी में इक्वेशन बनानी है तो पी चलेगा डी वी चलेगा डी टी नहीं चलेगा यहां पर जो है, तो अब इस इक्वेशन को मैं क्या लिख रहा हूं देखो पी इंटू डी वी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट लिख देता हूं, ठीक है, और मैंने एन आर डी टी को क्या लिख दिया पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन गामा माइनस वन, ये हो गया। अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखो पी कॉमन ले लेता हूं, सॉरी डी वी कॉमन ले लेता हूं, पहले डी वी कॉमन लिया तो क्या है देखो पी माइनस सी अपॉन गामा माइनस वन इंटू पी इक्वल टू
सी अपॉन गामा माइनस वन इंटू वी डी पी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये हो गया। तो इसको मैं ऐसे भी कुछ कर सकता हूँ ना, डी वी इंटू वन माइनस सी अपॉन गामा माइनस वन पी इक्वल टू सी अपॉन गामा माइनस वन वी इंटू डी पी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ये है। अब देखो ये पूरी क्वांटिटी, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ये पूरी क्वांटिटी भी एक कांस्टेंट है, और ये पूरी क्वांटिटी भी कांस्टेंट है, और मैं सब कांस्टेंट को एक ही कांस्टेंट लिख लूंगा, कुछ एक कांस्टेंट लिख लूंगा, और मैं पीवी से डिवाइड कर दे रहा हूं। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा डी वी अपॉन वी इंटू कॉन्स्टेंट कह लो इक्वल टू डी पी, सी नहीं लिखते, चलो इसको अल्फा लिख लेते हैं, ठीक है अल्फा लिख लेते हैं, इक्वल टू डी पी अपॉन पी, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अब तुम थोड़ा सा ऐसे सोच सकते हो कि सर पीवी से क्यों डिवाइड किया, नहीं पीवी से क्यों डिवाइड किया, तो एक्चुअल में उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि डीपी के साथ में ना वी को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, इसी टाइप से डीवी के साथ में आप पी को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने डिवाइड किया। अब एक बात बताओ कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, बेटा जो है ध्यान से देखना, अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, देखो एल एन वी की पावर एल्फा इक्वल टू एल एन पी, ये कुछ होगा एल एन पी प्लस एल एन सी लिख लो, चलो एल एन बीटा कर देता हूं, कांस्टेंट मान लेता हूं, ठीक है एल एन बीटा एक दूसरा कांस्टेंट ले लेता हूं, और लास्ट में तुम देखोगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा एल एन पी वी की पावर माइनस एल्फा इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा एल एन, एक तीसरा कांस्टेंट मान लो, कुछ भी कांस्टेंट मान लेता हूँ, सी वन मान लेता हूँ, ठीक है सी वन मान लेता हूँ। तो फाइनली अगर तुम देखोगे तो पी वी की पावर माइनस एल्फा एक कांस्टेंट आ गया, और माइनस कांस्टेंट को ही मैंने कुछ एन ले लिया, बस हो गया जो है एन ले लिया, तो यहां से पी वी की पावर एन ये कांस्टेंट, ये कुछ रिलेशन आ गया, ये कह रहा है। थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा सा डिफरेंट हो गई है, लेकिन कंसेप्ट एक बार बता रहा हूँ, सुन लो क्या है बेटा जो है, तुम्हें कभी भी पी और वी की इक्वेशन बनानी है मान लो, तो पहले हम इस टाइप की इक्वेशन बनाते हैं, उसको फिर इंटीग्रेट करके पी और वी इक्वेशन बनाते हैं। अब तुम कहोगे इस टाइप की इक्वेशन कहां से बनेगी, इस टाइप की इक्वेशन एक तो जो प्रोसेस दी होगी वहां से बनेगी, और एक यूनिवर्सल प्रोसेस होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी, वो तो लगा ही सकते हो, तो यहां से हम पहुंचेंगे। तो हमने क्या किया देखो जो है, तुम्हें डी डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू डी यू दिया था, तो डी डब्ल्यू तुम जानते हो कि पी डी बी होता है, डी यू तुम जानते हो एन सी बी डी टी होता है। अब मुझे पी और वी की इक्वेशन बनानी थी, तो पी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीटी में मुझे प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, डीटी मुझे नहीं चाहिए, तो डीटी के लिए मैंने क्या किया, पीवी इक्वल टू एनआरटी को इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, पीडीवी प्लस वीडीपी इक्वल टू, सॉरी पीडीवी प्लस वीडीपी होगा बेटे, वहां पे सही लिखा हुआ, ठीक है पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू एन आर डी टी, इस टाइप से कर दिया, और लास्ट में मैंने क्या किया, जो कांस्टेंट आते जा रहे हैं उनको मैंने कांस्टेंट रखता चला गया, ठीक है कांस्टेंट रखता चला गया, और एक लास्ट में मैंने तुम्हें बताया कि डी वी के साथ में केवल वी का ही फंक्शन होना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए, और डी पी के साथ में केवल पी का ही फंक्शन होना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए, तो ये किया गया, फिर इंटीग्रेट करके वहां तक पहुंचे।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये तो मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी थी इस प्रोसेस में, और गामा तुम्हें दे ही रखा है, और एट व्हाट वैल्यूज ऑफ एन हीट कैपेसिटी नेगेटिव होगी ये कह लो। तो इसका तो मैंने फॉर्मूला ही दे दिया ना कि PB की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें जो मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है वो R अपॉन गामा माइनस वन प्लस R अपॉन वन माइनस n होता है, बस हो गया ये कह लूंगा, ठीक है ना। ये मैंने अभी बताया था तुम्हें, ये हर बुक में तुम्हें इसका प्रूफ मिल जाएगा। अब थोड़ा सा चलो निगेटिव में कर लेते हैं, तो इसको एक काम करते हैं बेटा, सी को कुछ ऐसे कर लेते हैं, सी इक्वल टू, हाँ सी इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन माइनस आर अपॉन एन माइनस वन, ये हो गया। अब सुनो, सी निगेटिव कब होगा, जब ये वाली क्वांटिटी इससे बड़ी होगी, नहीं ये वाली क्वांटिटी इससे बड़ी होगी, इसका मतलब n माइनस वन वो गामा माइनस वन से छोटा होगा, क्यों n माइनस वन छोटा होगा गामा माइनस वन से, या कह सकते हो n गामा से छोटा होगा, तो देखो n गामा से छोटा हो गया, और ऑब्वियस ही बात है n को 1 से तो बड़ा ही होना चाहिए ना, इस वाले से तुम देखो ना n को 1 से तो बड़ा होना ही चाहिए, क्यों n शुड बी ग्रेटर देन 1, वो तो है ही है प्रोसेस, तो ये हो गया। अदरवाइज तो फिर यही वाला टर्म नेगेटिव आ जाएगा ना बेटा, ये वाला टर्म ही नेगेटिव आ जाएगा अगर तुम देखोगे तो, ये कर दिया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, PB की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट में C का एक फॉर्मूला होता है जो ज्यादातर बुक्स में तुम्हें मिल जाएगा, वो होता है R अपॉन गामा माइनस वन प्लस R अपॉन वन माइनस n, और उसके बाद मैंने बताया कि C की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब n माइनस वन गामा माइनस वन से छोटा होगा, इसका मतलब n गामा से छोटा होगा। लेकिन अगर मैं ये वाले एक्सप्रेशन को देखूं तो इसमें फिर n को तो 1 से बड़ा होना ही चाहिए, अदरवाइज तो फिर यही वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा ना, ये कह लेते हैं। अब चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दे रखी है, आर्गन दे रखा है, ध्यान रखना बेटा, जो है इसका मतलब मोनो एटॉमिक है, तो उसका गामा तुम जानते होगे 5 बाई 3, तो हम लिख ही सकते हैं, और वॉल्यूम को 4 टाइम्स बढ़ाया तो प्रेशर 8 टाइम्स कम हो गया, तो तुम्हें मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी कितनी मिली। तो सुनो, PB की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट है मान लो, इसका मतलब P इनिशियल V इनिशियल की पावर x इक्वल टू P फाइनल V फाइनल की पावर x होना चाहिए, ये हो गया। अब सुनो, वॉल्यूम को 4 टाइम्स बढ़ाया है, इसका मतलब V फाइनल वो 4 टाइम्स V इनिशियल दिया हुआ है, तो प्रेशर 8 टाइम्स कम हो गया, तो यहां पे जो P फाइनल है वो P इनिशियल अपॉन 8 आ गया, तो यहां से तुम्हें दिख रहा होगा P इनिशियल V इनिशियल कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में अगर आप देखोगे तो P इनिशियल V इनिशियल दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से तुम X निकाल लेना, बस हो गया।
आई थिंक समझ में आ गया होगा, पीवी की पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट मैंने एज्यूम किया, इसको एज्यूम किया और फिर जो कंडीशंस दे रखी थी वो अप्लाई की, तो वहां से एक्स निकल गया, और एक बार एक्स निकल गया तो फिर मैंने सी का फॉर्मूला तुम्हें दिया हुआ है, सी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा जी, सी का फॉर्मूला होगा आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स, ये वैल्यू से रख देना तो यहां से सी निकल देना बस हो गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, और फ्रॉम गिवन कंडीशंस ऑफ पी इनिशियल एंड सॉरी फ्रॉम गिवन कंडीशंस ऑफ पी फाइनल एंड वी फाइनल, सबसे पहले तुम एक्स निकाल लेना, और पीवी की पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट में बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो मैंने यहाँ पे प्रूफ नहीं किया है क्योंकि सारी बुक्स में दिया होता है, तो उसमें जो मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स होगा, और तुम्हें आर्गन गैस दे रखी थी मोनोएटॉमिक, तो उसके गामा की वैल्यू 5/3 रख देना, ये हो गया। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू एंड गुड नाइट।